खर्चे की जो बात रखी है उसको बढ़ाया जाए, कम से कम 5 लाख रुपए। चलिए चलिए, कोई 5,000 रुपए में चुनाव नहीं लड़ा जाता, ये बिल्कुल गलत है। कोई सुझाव और देना चाह रहे हैं इधर से? 5,000 का जो खर्चा है उसमें बदलाव होना चाहिए, साथ ही एक बार जो चुनाव लड़ने का मौका मिलता है उसके अंदर ही बदलाव होना चाहिए। साथ ही लिंगदो के हिसाब से यहाँ चुनाव तो हो रहे हैं, परंतु यूनिवर्सिटी प्रशासन ने भी अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन बना रखा है। जैसे सुमित बता रहे थे कि रेस्टिगेट करने की बात है, एक स्टूडेंट लीडर को रेस्टिगेट करने की बात है, उसमें लिंगदो में कहीं भी ये चीज लिखी हुई नहीं है, परंतु यूनिवर्सिटी अपने कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से भी चुनाव कराती है। यूनिवर्सिटी का इन्होंने बात उठाई है, मैं विमल जी के पास आऊंगा सीधे। पहले विमल जी, आपसे पहले उनके पास, फिर मैं आपके पास आता हूँ, क्योंकि जी पहले संस्था प्रमुख को सुननी समझना चाहिए कि हम कोई भी मुद्दा लेके जाते हैं संस्था प्रमुख के पास, तो संस्था प्रमुख कहता है वीसी यहाँ नहीं है, वो नहीं है, और कभी भी हम 2-2 महीने के लिए, तो हम यहाँ विश्वविद्यालय में टॉयलेट बाथरूम नहीं था, उसके लिए लड़ाई लड़ी, केस झेले, आज 2 महीने बाद में भी हमारी सुविधा पूरी पूर्ण नहीं हुई, आगे चुनाव आ गए, तो हम ये चाहते हैं कि संस्था प्रमुख सुधरे और आगे सही आचार संहिता के अनुसार। विमल जी आपके पास आता हूँ। विमल जी, 2-3 सवाल जो यहाँ से निकल कर आए हैं, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। मनीष ने एक विषय उठाया था, उस विषय पे हम ज्यादा चर्चा नहीं कर पाए कि जातिगत स्थितियां भी बन गई हैं जो नहीं बननी चाहिए थी। दूसरा एक सवाल पीछे से निकल कर आया था, उन्होंने कहा छात्र नेतृत्व भी कमजोर हुआ है। विमल जी, हम आपका सुझाव भी लेंगे और इन सवालों के जवाब हम आपसे भी चाहेंगे कि आपके अनुभव। देखिए साहब, यहाँ मुझे लग रहा है वाइस चांसलर के प्रति बहुत जन आक्रोश है, ये टोटल मुझे समझ में आ रहा है। इसलिए मैं आपके इस चैनल्स के माध्यम से उनसे अपील करूंगा कि कम से कम आपको अपना स्टाइल जो है वर्किंग को बदलना पड़ेगा, क्योंकि आक्रोश है, ये कभी भी उग्र रूप धारण कर सकता है। अरे भाई, लड़कों से मिलने में क्या तकलीफ होती है? जितना वाइस चांसलर लड़कों से संवाद रखेगा, मिलेगा, मैं समस्या हूँ, आधी समस्या सोल्व हो जाएगी। चलिए, ये मैं सबसे बड़ा आंदोलन जो होता है नहीं मिलने का कारण होता है। अगर आप मिलोगे, जब भी मेरे द्वार खुले 24 घंटे, कोई तकलीफ नहीं आ जाएगी, समस्याएं सुलझेंगी। वाइस चांसलर को चाहिए विश्वविद्यालय भ्रमण करे। यहाँ मोहन सिंह मेहता होते हैं जिन्होंने विश्वविद्यालय स्थापित किया था, सुबह पूरे यूनिवर्सिटी में घूमते थे, देखते थे कि पेड़ कहाँ गड़बड़ है, कहाँ क्या है, पूरा सफाई होती थी। आज विश्वविद्यालय की हालत को देख के दुख होता है कि कितने पेड़ कट रहे हैं, लोग लेटरिन जाने के लिए विश्वविद्यालय के अंदर आते हैं। बताइए, शिक्षा का स्तर किस तरह से बढ़ेगा? क्यों? कि वाइस चांसलर घूमते नहीं है, जब नहीं घूमेंगे तो ये। चलिए, इनका इनका तीसरी चीज बता रहा हूँ आपको। और जहां तक विश्वविद्यालय वाइस चांसलर के इतना आपको घुसने देता भैया, ये तो आपके लीडरशिप में चाहिए, इतनी होना चाहिए। मुझे ध्यान है राजस्थान विश्वविद्यालय में 74 की घटना है, वाइस चांसलर ने एक लड़के का हॉस्टल में एडमिशन गलत कर दिया। वो दिन था, मैं सिंडिकेट का मेंबर था, विश्वविद्यालय का अध्यक्ष भी था। मैंने कहा या तो इसका एडमिशन कैंसिल करिए, वरना 1,000 लड़कों को आप एडमिशन दीजिए। वाइस चांसलर साहब ने कहा आई कैन नॉट डू इट, देन यू हैव टू टेंडर द रिजिग्नेशन। एंड वो वाइस चांसलर थे आर पी पाधी साहब, ICS अफसर था, उड़ीसा के चीफ सेक्रेटरी थे, उन्होंने इस्तीफा देके गए, कोई आंदोलन नहीं किया। मैंने कहा गलती किया तो देन, तो इतनी पावर हमें होगी, विल पावर हमारी होगी, और गलत काम को हम सपोर्ट नहीं करेंगे तो वाइस चांसलर क्या, उसके कोई भी आ जाए उनको इस्तीफा देना। बाद में जितेंद्र जी के पास आता हूं। और जहां तक ये करूं बता रहा हूं, ये लिंगदो कमेटी के वाक्य में मुझे लग रहा बहुत गलत हुआ है जो बनाया है। इसके लिए आप बड़े बड़े संगठन है भैया, इनको विश्वविद्यालय सुप्रीम कोर्ट के अंदर रिव्यू बनाना चाहिए, या पार्लियामेंट के अंदर एक्ट संशोधन कर, क्योंकि कोई भी सुप्रीम कोर्ट का कानून है वो केवल बदला जब जा सकता है कोई एक्ट आएगा, अदरवाइज वो लॉ ऑफ द लैंड है, तो उसको रिव्यू करना पड़ेगा। ये जो लगाया गलत है। देखिए, सही कहा हमारे क्या नाम इन्होंने प्रवीण जी ने कि वाक्य में छात्र नेता कोई हीरो उससे नहीं बन सकता, दो दिन के 50 दिन बनता। मैं भी 1970 से विश्वविद्यालय में छात्रों की समस्या के लिए जागरूक रहा, अल्टीमेटली जब जाके मैं 73 के अंदर कहीं ना कहीं जागरूकता वो चीज तो आएगा। आपका संगठन तो एक सपोर्ट होता है, लेकिन व्यक्ति की पर्सनालिटी भी चाहिए, अगर व्यक्ति की पर्सनालिटी होगी तो वो। आपके पास जितेंद्र जी, आपको क्या लगता है, आपका क्या सुझाव है? देखिए, व्यक्ति का व्यक्तित्व जरूरी है, केवल मात्र राजनीतिक संगठनों के माध्यम से चुनाव नहीं जीता जाता है। जब तक व्यक्ति लगातार क्षेत्र के अंदर अपने विश्वविद्यालय कॉलेजेस के अंदर मेहनत नहीं करता है, संघर्ष नहीं करता है छात्रहितों के लिए, तब तक उसका चुनाव जीतना संभव नहीं। चलिए, आपके पास सोमेंद्र जी, क्या लगता है, स्थितियां हैं लिंगदो का भी, जो कुछ चीजें हैं उनकी पालना हो वो भी जरूरी है, साथ में छात्रों को भी नहीं दबा जाए, आपका सुझाव क्या? देखिए, जब आप कुछ अव्यवहारिक सिफारिशें लागू कर देते हैं तो वो लागू नहीं हो पाती हैं। आप नियम कायदा कानून ऐसा तो बनाइए जिसका पालन हो सके। सारे बच्चे ये कह रहे हैं 5,000 रुपए में कैसे चुनाव लड़ सकते हैं, इसको एक तर्कसंगत बनाते, 50,000 तक लेते तो भी एक उसका आप पालन करवा सकते थे। आप आदर्श आचार संहिता का पालन भी करवाना चाहते हैं और 5,000, 2,000, एक तो ये इसकी
पुनर्विचार होना चाहिए। विश्वविद्यालय प्रशासन अपने स्तर पर, एक बालक ने सुझाव दिया कि खुद का राजस्थान विश्वविद्यालय कॉन्स्टिट्यूशन होता है, कॉन्स्टिट्यूशन में अपना अमेंडमेंट कीजिए, उसमें रिलैक्सेशन दे सकते हैं। दूसरा, जो दोबारा चुनाव लड़ने की सीमा है, जब तक विद्यार्थी विद्यार्थी है और आपने एक एज लिमिट बना रखी है, जब तक उस एज लिमिट में चुनाव लड़ सकने का योग्य है, पात्रता रखता है, तब तक उसको पात्रता बनाए रखने में क्या दिक्कत है। ये एक प्रैक्टिकल चीजें हैं जो परिवर्तन होना चाहिए। 73 के अंदर क्या पैसे की वैल्यू होती थी, फिर भी हम साइकिल के अंदर चुनाव लड़े, तब भी 5,000 खर्च हुए थे, लोगों ने इकट्ठा करके लड़ाया। देखिए, जहाँ तक बात छात्र हितों की होती है, वहाँ पे कोई पार्टीवादी को ध्यान में रखते हुए सभी को, आज यहाँ पे सभी युवा शक्ति मौजूद है, अगर इनको प्रशासन से इतनी कमियां है, अगर ये सभी लोग साथ में देंगे और कोई पार्टीवाद को ध्यान में रखते हुए छात्र हितों की रक्षा के लिए अगर हम सभी अगर कोशिश करेंगे तो VC एक बार नहीं 10 बार हमारी बात सुनने को तैयार। पुष्पेंद्र जी, क्या लगता है, क्या आपके सुझाव है, आखिर चुनाव अच्छे हों इसके लिए क्या सुझाव है? यहाँ जितने भी छात्र संघ के पदाधिकारी हैं, इनकी एक समन्वयक समिति बना दे और वो जो निर्णय करे उसको विश्वविद्यालय प्रशासन बाध्य हो मानने के लिए, इस तरह की एक समिति हो जिनकी बातें मानने। सुमित, क्या लगता है, छात्र संगठन अन्य मुख्य के नाते भी हम आपसे पूछेंगे और छात्र के नाते भी। नहीं, बिल्कुल, जो लिंगदो समय कमेटी के बारे में पूर्व में चर्चा हुई जिन मुद्दों को लेकर, वो तो उन बात से पूरी तरह सहमत हूँ। साथ ही एकरूपता की बात मैंने पहले भी की थी, वो मुख्यतः इम्पोर्टेंट है कि जितने भी विश्वविद्यालय हैं सभी में सभी को जो बंदी से ज्यादा लगा दी गई, विशेष तौर से राजस्थान के अंदर। लिंगदो ने केवल सिफारिशें दी थी कि मानना ना मानना स्टेट गवर्नमेंट पर, यूनिवर्सिटी के संविधान पर निर्भर करता था, तो कम से कम संविधान में इतना हक होना चाहिए छात्र को, अगर कोई कॉलेज का फर्स्ट ईयर का छात्र है तो वो भी यूनिवर्सिटी का इलेक्शन लड़ पाए किसी भी पद के लिए, और चाहे कितनी बार भी लड़ना हो उसको चुनाव लड़ पाए अगर वो आयु सीमा में और अन्य क्राइटेरिया में फिट बैठता है तो। जहां तक बात होती मुद्दों के लिए, हमने हमेशा ही कहा, पिछली बार भी हमने कहा था कि ओपन हाउस डिबेट भी होनी चाहिए, जैसे JNU के अंदर होता है, प्रेसिडेंट का जब इलेक्शन होता है एक रात पहले सभी कैंडिडेट वहां बैठते हैं, स्टाफ पूरे प्रोफेसर वहां बैठते हैं, सारे स्टूडेंट वहां बैठते हैं, इंडिपेंडेंट हो चाहे किसी पार्टी से संबंधित हो, तो एक चर्चा होती है, विचार सुनने को मिलती है। ये मांग हमने पिछली बार भी राजस्थान विश्वविद्यालय से मीडिया के माध्यम से उठाई थी, इस बार भी हम उठा रहे हैं कि इसी कैंपस में जैसे आज यहाँ चर्चा हो रही है, एक बड़ी चर्चा होनी चाहिए विश्वविद्यालय की तरफ से सभी को साथ मिलकर। सबसे पहले तो मैं आपको सबको बता दूं, क्योंकि ये छात्र संघ का चुनाव होने वाला है और विश्वविद्यालय का वही पुराना ढर्रा जो 2-3 वर्षों से चलता आ रहा है, उसमें कुछ सुधार किए जा सकते हैं, इसके लिए हम सबको प्रयास करने चाहिए, क्योंकि आज एक बड़ी एक मीट हो गया, सब एक तरीके से सब लोग बोल रहे हैं, लेकिन ये विश्वविद्यालय में छात्र संघ के चुनाव कैसे हो इसके लिए हम सबको वास्तव में एक कैंपस में रहकर और कैंपस में बात करके प्रयास करना पड़ेगा, कैंपस में एक एकजुटता का माहौल लाना पड़ेगा। इसके लिए जो देखो माननीय जो न्यायालय ने जो जो वास्तव में जो रिकमेंडेशन दिए उनका पालन तो आपको करना पड़ेगा, नहीं तो आप वास्तव में एक सर्वोच्च न्यायालय की अवहेलना कर रहे हैं। लेकिन एक ऐसी याचिका भी हम सबको एकजुट होकर लगानी चाहिए और विश्वविद्यालय प्रशासन से भी बात करनी चाहिए कि जो वास्तव में जो एक ऐसी जो आपने नियम बना रखे हैं उनमें कोई रिलैक्सेशन हो सकता है, उनमें कोई छूट मिल सकती है, और जो एक तरीके से जिनको लिंगदो ने बिल्कुल स्ट्रिक्टली लागू नहीं किया गया, बहुत सारी ऐसी वो है रिकमेंडेशन है जिनको लिंगदो ने विश्वविद्यालय प्रशासन पर छोड़ा। आज जोधपुर विश्वविद्यालय का सुमित उदाहरण दे रहे थे कि 28 ईयर जो रिसर्च स्कॉलर है वो जो एज वाला वो यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ता है, अपेक्स प्रेसिडेंट का लड़ता है, तो ऐसे रिफॉर्म्स हो सकते हैं। या फिर अभी प्रताप जी ने कहा कि यहाँ का छात्र संघ का चुनाव हमेशा जो 25 वर्ष से नीचे रहे वही जीते, तो विश्वविद्यालय प्रशासन में मैं तो ये कहता हूँ जो स्टूडेंट होता है और जो छात्र राजनीति में होता है वो एक निश्चित एज के भीतर ही होता है, वो जरूर आपको ऐसी रिकमेंडेशन देने की आवश्यकता ही नहीं थी कि 25 साल का छात्र संघ का चुनाव लड़े 26 साल का लड़े, वो तो वास्तव में उतनी सब वर्ष का ही लड़ता है। लेकिन हम सबको अभी DSW है यहाँ पर एक कमेटी बननी चाहिए, छात्रों को अलग अलग संगठनों के छात्रों को मिलकर कहीं ना कहीं कोई एक विषय पर पहुंचना चाहिए कि आखिर छात्र संघ के चुनाव हो जो बहुत जरूरी है छात्रों के लिए भी। हम चाहते थे कि विश्वविद्यालय प्रशासन का पक्ष भी इस पूरे विषय में जाए, लेकिन मुझे लगता है कि शायद वो सुनना नहीं चाहते, छात्रों की तरह ही वो जवाब भी नहीं देना चाहते हैं। यहाँ आकर जिस तरह से छात्रों को जवाब नहीं देते वैसे यहाँ भी वो जवाब नहीं देना चाहते थे। तो कुल मिलाकर इस चर्चा में जो बात निकल कर सामने आई कि लिंगदोह कमेटी की जो सिफारिशें हैं वो कुछ जो उनकी बातें हैं वो व्यवहारिक रूप से जो लागू है वो लागू रहनी चाहिए, कैंपस में पढ़ाई का माहौल बना रहे और कुछ जो व्यवहारिक बातें हैं वो लागू हो, इसके लिए छात्र जो संगठन है यहाँ इस परिवार से विश्वविद्यालय परिवार से जो जुड़े हुए लोग हैं उनको एक साथ बैठना होगा। ये पूरा विषय इसमें से निकल कर कहीं ना कहीं आया है। जनता की आवाज़ में आज इतना ही, दीजिए पूरी टीम को इजाज़त, नमस्कार। चुनाव शुरू करने की बात कही गई थी, ये हायर एजुकेशन का स्टूडेंट है, मुझे तो इस स्टूडेंट को फंसाना है। लिंगदो कमेटी की, लेकिन मैंने ये देखा है खरा तल पर नहीं सोचा गया स्टूडेंट मूवमेंट को खत्म करने की, क्या साजिश आम आदमी की बात।
गज्जे उठी है यहाँ पे।